ये वीडियो शंभू बॉर्डर की है, जहां किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थरबाजी की है। अब हरियाणा पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीरें और वीडियो रिलीज की है और उनकी पहचान करने की अपील लोगों से की गई है। ये वीडियो 13 और 14 फरवरी के दौरान का बताया जा रहा है, जब किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ से किसानों के बीच से सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी में पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों सहित कुल 25 जवान घायल हो गए हैं। मामले को लेकर अम्बाला की एसपी पूजा डावला ने बताया कि ये वीडियो इसलिए जारी किए गए हैं ताकि उन लोगों की पहचान हो पाए जो आंदोलन के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं। हमने ना वीडियो हमने रिलीज करे हैं, क्योंकि इतने दिन से जो है वार्निंग दी जा रही है, 1144 में हमने लागू कर रखी है, और उनका जो 13 फरवरी का पूछ था, जो कॉल थी, उसके रिगार्डिंग जो है बातचीत भी करी गई, तो प्रॉपर बैरिकेडिंग करके इनको रोका भी गया, जहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है और हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात है रोकने के लिए, क्योंकि 2020 में भी इस तरह का उत्पात पहले हो चुका है। तो उसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस बार थोड़ी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करी गई थी, लेकिन कुछ हमारे सामने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। एक डीएसपी रैंक जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी पत्थर से ही चोट लगी थी, और 25 में से हमारे 7 जवान तो इसके हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो वो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए, और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी, और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। बता दें कि अम्बाला के नज़दीक स्थित शंभू बॉर्डर पर 14 फरवरी को एक समय स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक ब्रिज की रेलिंग तोड़ दी। वहाँ कई घंटों तक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों तरफ से तनाव के बीच कुछ पुलिस कर्मियों, किसानों और पत्रकारों को भी चोटें आई थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की हिंसा में हरियाणा पुलिस के 24 जवान जख्मी हो गए थे, इनमें से एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। घायलों में 15 जवान शंभू बॉर्डर पर चोटिल हुए थे, जबकि 9 जवान जिंद में चोटिल हुए थे। वहीं किसान संगठनों ने दावा किया था कि पुलिस की कार्रवाई में 60 किसान जख्मी हुए हैं, उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान पंजाब से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने इसे लेकर पुख्ता तैयारी की है, ताकि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली नहीं पहुँचने दिया जाए। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।